आपने अगर ये वीडियो को क्लिक किया ना, दैट सिंपली मींस कि आप उनमें से हो जिनको शूज के रिव्यूज देखना पसंद है, या फिर आप उनमें से हो भाई की जिसका बजट 1000 रुपए के नीचे है और वो डेली यूज के लिए एक अच्छे से शूज ढूंढ रहा है। सो मेरे भाई, ये जो शूज है ना, पार्क्स ब्रांड के SM897 आर्टिकल, ये एमआरपी 1049 की है और कलर मैंने इसमें LT ग्रे ब्लैक मंगाया। और ये जो शूज है ना गाइस, ये इजीली अपने को 900 रुपए के आसपास है ना ऑनलाइन स्टोर्स पे अपने को मिल जाता है। ऑफलाइन की बात करें तो मेरे हिसाब से 950-1000 रुपए के आसपास ये बहुत ही इजीली मिल जाए। बट क्या ये शूज अपने को लेने चाहिए या नहीं, इस वीडियो में अपन कंप्लीट अनबॉक्सिंग और डिटेलिंग करेंगे इस शूज की और देखेंगे क्या ये शूज मैं अपने व्यूवर्स और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है क्या मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा क्या फॉर डेली यूज। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले मेरे भाई, जब मैंने शूज को बॉक्स से निकाला ना, मेरे को कैसी भाई पता है क्या, इसका जो आगे का पोर्शन जब मैं देख रहा था ना, मेरे को ऐसा लगा भाई कि स्पार्क्स ने एक और आर्टिकल इसके काफी सालों पहले एक लॉन्च किया SM734 आर्टिकल, और उसमें भी कंपनी अपर में ना भाई ये डॉटेड टाइप एम्बोज किया हुआ पैटर्न यूज करती है। तो भाई आगे का यहाँ का पैच और ये पीछे का पैच है ना भाई, मेरे को एज इट इज सेम लग रहा था भाई जो SM734 आर्टिकल में ब्रांड यूज कर रहा है। आई वॉज लाइक भाई क्या स्पार्क्स यार, मतलब वही रॉ मटेरियल आपने ये वाले नए आर्टिकल में पेल दिया है, मतलब कोई मिला गया। हाँ, लेकिन इस शूज में अपने को डिजाइन वर्क डेफिनेटली अपने को बेटर देखने मिलती है इनके प्रीवियस शूज से, मतलब इनके अपर्स को देख के लगता है भाई कि हाँ इनमें काफी ज्यादा कलाकारी की है भाई ब्रांड ने। वरना स्पार्क्स के स्नीकर्स आपको जनरली पता है भाई बहुत ही एक सिंपल लुकिंग स्नीकर्स अपने को दिखते हैं, बट इस शूज में आप डेफिनेटली देख सकते हैं भाई कि अपर के डिजाइन वर्क में ना भाई की कंपनी के जो डिजाइनर्स जो है ना भाई, वो थोड़ी सी मेहनत डेफिनेटली कर रहे हैं। रीजन व्हाई ये दिखने में डिजाइन वाइज थोड़ा सा बेटर लगता है। एक और चीज जो आई कैच करती है ना भाई, इस पोर्शन में जो हाईलाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना भाई, जनरली आपने देखा कि वो गोल गोल तरीके से होते हैं, उसी के अंदर से लेसिस वगैरह जाती है, बट यहां पे तो भाई कंपनी जो ये सिंथेटिक लेदर जो यूज कर रहा है उसी को काफी क्रिएटिव टर्म में भाई इनको कट वगैरह करके मतलब इसके जो लास्ट वगैरह जो बनते होंगे ना भाई, वो बहुत ही मतलब डिजाइन वाइज तो वो काफी सुपर्ब लग रहा है। मतलब भाई लेसिस अगर आप देखोगे ना भाई, यहाँ से जिस तरीके से अंदर से गई है भाई, ये थोड़ा सा हटके मेरे को पैटर्न देखने मिला है स्पार्क्स ब्रांड में। और आपने देखा होगा इनके काफी सारे आर्टिकल जो होते हैं ना, मतलब वो सिंपल लुकिंग गुड क्वालिटी इस टाइप के आर्टिकल होते हैं, यहाँ पे थोड़ा मतलब लुकिंग में भी थोड़ा तामझाम दिखता है अपने को। ये जो कॉलर का जो स्ट्रक्चर है ना भाई, इसके अंदर जो पैडिंग वगैरह भी ब्रांड ने जो की है ना, मतलब हाँ वो कुशनिंग वगैरह मतलब ओके लगी, मतलब रेट के हिसाब से। तो इसकी जो टांग यहाँ पे देखेंगे ना भाई, तो काफी फ्लफी लगी है, मतलब अंदर काफी अच्छे फोम का इस्तेमाल किया गया। अब इस टाइप के स्नीकर में जनरली प्यू सिंथेटिक का ही अपर ब्रांड यूज कर दिया, ठीक है, और इसमें भी वही यूज किया है। आओ भाई फटाफट ब्रांडिंग देख लेते हैं इसकी। टांग पे यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड में यहाँ पे स्पार्क्स का लोगो, इनसोल पे यहाँ पे स्पार्क्स, और सोल पे इस तरफ स्पार्क्स, और आउटसोल पे यहाँ पे नीचे की तरफ स्पार्क्स की ब्रांडिंग। अब भाई देख, स्पार्क्स की ब्रांडिंग इनके आउटसोल में, दैट सिंपली मींस के ये इनका खुद का मोल्ड है, ठीक है। दे आर नॉट लाइक के मतलब हम मार्केट से ही सोल ला के अपना सिर्फ अपर बना के उसको असेंबल करके मार्केट में बेच रहे। बहुत सारे इंडियन ब्रांड ऐसे ही करते हैं भाई, जो मार्केट से मतलब जो एक सोल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता ना भाई, वहां से सोल लाते और अपर भी बाहर से ही करते या खुद इनहाउस भी बनाते और इस तरीके से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दे। बट स्पार्क से कैसे मैंने काफी देखा भाई कि ये लोग है ना मतलब खुद के ही मोल्ड से काम करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। इससे डेफिनेटली एक ये चीज हो जाती है ना भाई कि क्वालिटी कंट्रोल में थोड़ा सा वो इनहेंस हो जाता है। द आउटसोल डिजाइन इज रियली गुड भाई, जब मैं इसको देख भी रहा हूं ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ब्रांड ने ये भी कोई नया मोल्ड खोला है क्या, मतलब वो मतलब कितना क्लियर है भाई इनका आउटसोल की डिजाइन वगैरह। ये मतलब दो ही चीज है भाई, एक तो मटेरियल भी बहुत अच्छा होना चाहिए और क्या मोल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही ये इतना क्रिस्टल क्लियर डिजाइन आउटसोल निकलता है उसमें से। वरना आपको पता है भाई अन्य ब्रांड जो पीवीसी सोल बनाती है ना, लाइक आप कोई भी एशियन ब्रांड का अगर पीवीसी सोल देखोगे ना भाई, तो उसमें आपको बहुत ही पैचीनेस मतलब दिखती है कुछ कुछ आर्टिकल्स में। लाइक मैं एंटायर रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ एशियन की, मैं कुछ कुछ आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज वैल्यू एडिशन भाई कि ये जो सोल है ना भाई, ये पीवीसी मटेरियल का सोल है, ठीक है, और जनरली 1000 रुपए के नीचे में ना जनरली आप यही एक्सपीरियंस करोगे कि क्या पीवीसी मटेरियल का सोल ही ब्रांड्स देते हैं, बिकॉज ये सोल थोड़ा सा सस्ता भी होता है और भाई ये रेंज में उनको भी थोड़े पैसे मिल जाते भाई। और भाई ये जो है ना, ये मोल्डेड सोल है, ठीक है, इसमें मतलब ये पेस्टिंग की शिकायतें नहीं आती भाई, ये डायरेक्ट मतलब अपर को ही मोल्ड में डालते हैं और वो इंजेक्शन के थ्रू मटेरियल जाते हैं और ऐसा ये पूरा निकलता है, फिर उसको फिनिशिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अब भाई हर कोई भाई टीपीआर रबर सोल देख के भाई सेवा तो नहीं करेंगे कंज्यूमर की, ठीक है। फिटिंग वाइज दिस वाइज डैम गुड, मतलब 10/10 भाई, पैर जैसे अंदर डाले लेसिस वगैरह बांध देना तो एकदम रिलैक्सेशन, बिल्कुल भी ये नहीं लगा भाई कि मेरा अपर मेरे टो को टच कर रहा है या साइड में कहीं पे भी लग रहा है मेरे पैर को, बिकॉज जो डेली यूज वाले शूज होते हैं ना भाई, वो अपने को थोड़े फिटिंग में अच्छे चाहिए। इंसोल में आई एम बिट डिसअपॉइंटेड भाई कि लोग वो बेसिक वाले ही इंसोल दिए भाई, ठीक है, मतलब मेरे को तो भाई थोड़ा सा वो अजीब ही लगता है भाई कि जब मेमोरी फोम इंसोल नहीं आता इस टाइप के स्नीकर्स में। हाँ, हो सकता है यहाँ पे ब्रांड डिबेट करे भाई हमको सस्ता भी देना ये देना, अरे पर तो मेमोरी फोम इंसोल को इतनी महंगी थोड़ी आती है यार, अब 1050 की इसके एमआरपी रखी है ना, तो आप 1100 एमआरपी रख देते हैं, मेमोरी इंसोल कितने की आती है, देख मैं भी होलसेलर हूं तो मुझे भी पता है वो, ठीक है। ऑल्सो एक चीज भाई, लेसिस की क्वालिटी काफी ठीक थी, एकदम राउंडेड टाइप लेसिस
से भाई इसकी कलर की तरह भी लाइनिंग ग्रे कलर की दे रहे हैं और इसको मैच कर रहे ये लोग अपर को, दैट सिंपली मींस कि या तो गंदी वंदी भी होगी तो अपने को दिखेगी नहीं अपनी आंखों से, ठीक है। व्हाइट होता तो शायद वो अपेरेंटली दिख भी जाता। इन शॉर्ट अगर बात करो ना भाई, तो ये शूज की वाइब मेरे को डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लगी है। जब मैंने बॉक्स से निकाला था मेरे को ऐसा लगा कि हाँ चलो मैंने 900 रुपए के आसपास में कोई स्पार्क्स ब्रांड के स्नीकर्स लिए। और एक ऐसा भी है भाई, देखो मैंने स्पार्क्स को मैं काफी सालों से फॉलो करता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ माय कॉम्पिटिटर, मतलब मैं किसी और ब्रांड का डीलर हूँ, ये भी इनका माल जो होता है ना मार्केट में बहुत सुपरबली बिकता है भाई, बिकॉज ये ब्रांड जो है ना भाई ये प्योर क्वालिटी ऑनेस्ट एमआरपी मतलब बोलते हैं ना एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। बस इस ब्रांड की थोड़ी डेवलपमेंट स्लो है, लेकिन ये जो भी आर्टिकल लॉन्चेस करते हैं ना भाई वो एकदम मतलब बोलते हैं ना एकदम वो बोलते हैं ना वो सिक्सर ही मारते हैं, मतलब ये लोग स्पार्क्स ब्रांड की ये खासियत है ना भाई कि ये लोग बहुत ही है ना बोलते हैं ना वो सिस्टमैटिक काम करते भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में। यू माइट हैव कम अक्रॉस के भाई स्पार्क्स ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेम एमआरपी होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए। अगर कुछ आर्टिकल ऑनलाइन ही अवेलेबल है तो वो फिर ऑफलाइन नहीं मिलते भाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस भाई मार्केट में क्लासेस होते ही नहीं है मतलब इनके, बट इन केस ऑफ कैंपस तो भाई एकदम ही हालत खराब है उनकी मेरे हिसाब से। तो ऑनलाइन वो क्या रेट में बेच रहे बेचारा दुकानदार, यहाँ पे क्या रेट में बेचना पड़ रहा है उसको, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड भाई कि कंपनी मतलब इज पेइंग अटेंशन ऑन इट, और डेफिनेटली कंपनी पे अटेंशन करता होगा, बट मार्केट तो सफर कर रहे भाई वो लोग। और एशियन का केस का अपने को पता है भाई ऑफलाइन की एमआरपी कुछ होगी, ऑनलाइन उसको डबल करके दे आर प्रेजेंटिंग और वही रेट में बेचते जो लोग ऑफलाइन भी जो प्राइस में बेच रहे कुल मिला के। आई जस्ट टोटली डोंट अंडरस्टैंड भाई कि ये जो जैसे ब्रांड कैंपस वगैरह ये हो गए भाई, ये ऐसे रेंज क्यों नहीं बनाते भाई कि तू ऑनलाइन बेच रहा तो तू ऑनलाइन वही रेंज बेच, वो ऑफलाइन में मत दे। बिकॉज जब एक कस्टमर भाई ऑफलाइन में जाता है ना वो दिमाग खा जाता है रिटेलर का कि भाई ऑनलाइन तो इतना डिस्काउंट में मिल रहा है यार। कमिंग फ्रॉम ए फुटवेयर होलसेलर भाई, अपने को सबको पता है कि कैंपस का माल क्या परसेंटेज पे रिटेल पे मिलता है और ऑनलाइन क्या रेट ऑफ डिस्काउंट चलते हैं उसमें, नीड ए ह्यूज करेक्शन भाई। ओवरऑल भाई आई हाईली रिकमेंड दिस शूज, ठीक है, आप बिंदास जाके लेना ये शूज को, यू विल लव इट भाई। एक और चीज भाई वीडियो का पार्ट में शेयर करूं, तो भाई बहुत दफा लोग क्या होते हैं कि अपनी वेबसाइट पे एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, फोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ मैंने, ठीक है, वहां पे होता क्या ना भाई कि कुछ बंदे लोग है ना बिना फोन किए ही भाई हमारे वेयरहाउसेस में आ जाते हैं। भाई मेरे को नाराजगी नहीं है, आप आओ, यू आर 100% वेलकम भाई, बट भाई एटलीस्ट आओ ना तो एक फोन कर दिया करो यार कि मतलब हम आ रहे भाई, तो ये शूज जो आपने वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं सारे शूज जो वीडियो बनाता हूं मैं सारे शूज नहीं बेचता भाई, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सारे शूज बेचूं मेरे वेयरहाउस पे एज ऑफ नाउ, बात का बाद में देखेंगे भाई। कुछ लोग वीडियो लेके आते, कुछ लोग रील लेके आते कि मतलब ये शूज आपके यहाँ पे मिल जाएगा और वो मेरे गाले तक आ जाते भाई, और फिर बहुत ही हैवी हार्ट से बोलना पड़ता है भाई कि यार ये मैं बेचता नहीं हूँ भाई, ये सिर्फ मैं रिव्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो ना, लाइक मेरा जो वेयरहाउस है वो भिवंडी में, ठीक है, विच इज इन महाराष्ट्र, भिवंडी के आसपास के एरिया वाले जनरली मेजोरिटी लोग आते हैं, तो मतलब उनको यही बोलूंगा भाई कि जब भी आओ तो एक फोन करके मेरे को आ जाए करो, ठीक है, ऐसे ही यार, आई जस्ट डोंट वांट कि आप अपना टाइम वेस्ट करो यार। बाद मैंने कलंजी ब्रांड के भी एक रनिंग शूज मंगाए, ठीक है, विच इज अराउंड 2,500 रुपए के आसपास के है, तो मेक श्योर भाई कि आप वो वीडियो भी डेफिनेटली चेक करना। विद दिस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।